मुस्लिम समाज की ओर से ईद उल अजहा बकरी ईद का त्यौहार अकीदत से मनाया गया। मुख्य ईदगाह किशोर में शहर काजी जुबैर अहमद काजी ए शहर कोटा ने नमाज अदा कराए। हालात हाजरा काजी जुबैर अहमद ने नेकी राह पर तकरीर की, कोचिंग छात्रों को नसीहत दी, खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है, मुल्क सलामती अमन तरक्की दुआएं की, और गाजा फिलिस्तीन के परेशान मजलूमों की मदद के लिए अल्लाह से दुआएं की। मोबाइल के कारण अनेकों बुराइयां बच्चे और बच्चियों में पनप रही है। शादीशुदा जोड़ों में भी इस समस्या से मन जुटाव देखने को मिल रहे हैं। हिंद एकता मंच की ओर सामाजिक कार्यकर्ता प्रेस प्रवक्ता पूर्व पार्षद उमर सीआईडी के नेतृत्व में किशोरपुरा चौकी पर जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी वएसपी अमृता दोहन डीएम सिटी वन निगम कमिश्नर आदि का गुलफोशी के साथ इस्तकबाल सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद उमर सीआईडी अब्दुल कलीम अंसारी मोहसिन खान मास्टर मोहम्मद इलियास अंसारी गुड्डू भाई सरपंच रफीक पठान समाज सेवी सलीम शेरी पार्षद सलीना शेरी इंजीनियर शुएब अली आदि शामिल रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर काजी जुबैर अहमद काजी ए शहर कोटा मुन्हु मिठा कराकर सम्मान किया। पूर्व पार्षद उमर सीआईडी ने ईद पर आपने अशार पढ़े। अहले हदीस ईदगाह में 7:30 पर नमाज अदा की गई थी। यहां बड़ी संख्या में ख्वातिनों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर में खुशी की लहर रही। कुर्बानी का दौर 3 दिन तक रहेगा। घंटा घर कुरैशी समाज व मुस्लिम समाज की ओर से ईद उल अजहा बकरी ईद पर मुसाफिरों और कोचिंग छात्रों और सभी मुफलिसों के लिए दावत का इंतजाम किया गया। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल अजहा है और ईद का पैगाम तमाम लोगों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए यह है कि आज तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एक जानवर को कुर्बान किया जाए। असल इंसान के अंदर दो चीज़ें, एक उसमें मादा यह होता है कि वो बुराई की तरफ जाता है, एक मादा यह होता है कि वो भलाई की तरफ जाता है। तो इंसान खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने आप को बुराइयों से बचाकर भलाइयों की तरफ जाने वाला बने, यानी जब खुदा ने हुक्म दे दिया कि ये काम करना है और इसको करना है, इससे रुकना है, तो वो जो है खुदा के उस हुक्म के खातिर अपनी नाजायज तमन्नाओं को कुर्बान करते हुए जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। ये जज्बा, ये कैफियत अपने अंदर पैदा करता है तो असल उसकी कुर्बानी है। यहाँ एक बात और कुरान मजीद में फरमाई गई कि तुम्हारा जो ये तुम कुर्बान करते हो किसी जानवर को, तो ये खुदा को ये मकसूद नहीं है कि उसको जो है उसका खून और उसका जो है वो पहुँच रहा है गोश्त, बल्कि वो तुम्हारे दिलों का जो परहेजगारी है, जो तुम्हारे दिलों का परहेज तकवा है, जो पायसनेस है, वो खुदा तक पहुँचती है। जो तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे इंसानियत के लिए क्या कर सकते हो, ये असल चीज़ है, ये तकवा है, ये परहेजगारी अगर हमारे अंदर दिल में पैदा हो गई, आज इंसान इंसान से दूर होता चला जा रहा है। आज जो है बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो मैंने अभी अपने बयान में भी जिक्र किया कि एक बच्ची है, एक बच्चा है जिसको माँ बाप शुरू से लेकर बच्चे से बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनको अच्छी डिग्रियाँ दिलाते हैं, लेकिन उसकी अच्छी तरबियत नहीं होती है, अगर उसके अच्छे अखलाक नहीं है, तो वो बच्चा क्या है, अपने किसी एक दोस्त के खातिर, अपने किसी एक साथी के खातिर अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर देता है, उनको छोड़ देता है, चला जाता है, बच्ची चली जाती है। तो वो क्यों चली गई, क्योंकि उसने अपने आप को जो है अपने जज्बात को काबू में नहीं रखा और अपने माँ बाप की कुर्बानी करना उसने मकसूद कर लिया, लेकिन अपने जज्बात को कुर्बान नहीं किया। तो हम खुदा के हुक्म के सामने अपने जज्बात को कुर्बान करें, यही इस कुर्बानी का मकसद है। अल्लाह इसकी हमें तौफीक दे। मैं मदनी पठान पंचायत की तरफ से मोइनुद्दीन अध्यक्ष सभी कोटा वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज जो है ईद उल अजहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आज पूरा देश और पूरा कोटा वासी सब इसको मना रहे हैं। मेरा यही लोगों से आग्रह है कि सब कुर्बानी बड़े अदब एहतराम से करें, घर में अदब से करें, उसकी कोई वीडियो ना बनाएं और वीडियो वायरल ना करें, ताकि हमारे बीच में सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों में भाईचारा पैदा रहे, होता रहे, और हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो है तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। सभी को दिली मुबारकबाद, सभी भाई अमन और चैन से, और हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे, सुकून बना रहे, एक दूसरे के अंदर भाईचारा बना रहे, यही मदनी पठान पंचायत की तरफ से मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी लोगों। मैं ईद के मुबारक मौके पर तमाम
कोटा शहरवासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ, मालिक पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से भाईचारा अमन कायम रहे। इसी के साथ फिर एक बार दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ।